बीघा जमीन बाते और 10 लाख रुपया छुटवा देना, मैं उसकी टांग नीचा लिखट जाऊंगा। ये बात। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाई हमारे चैनल पर। एक और नई वीडियो रहने वाली है आपके लिए, बहुत ही शानदार। अगर आप पिक फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो पिक फार्मिंग का बिजनेस है वो आज के दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ बिजनेस है भाई। राजस्थान, हरियाणा लगा लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, इनके अंदर जो एकदम से क्रेज पर है अभी वो पिक फार्मिंग का बिजनेस है। तो कई भाइयों के सवाल थे कि भाई कहीं इसका फ्यूचर में कहीं इसमें घाटे का बिजनेस तो नहीं होगा कि बंद नहीं हो जाएगा, और इसका रेट तो डाउन नहीं आ जाएगा एकदम से, और कितना खर्चा करें, कितने से शुरुआत करें, अगर 10 एनिमल से मादा से शुरू करें तो उसके लिए सेड की साइज क्या रखें और सेड पर खर्चा कितना करें और एनिमल का रेट क्या चल रहा है। तो ये सभी जानकारी आज बहुत ही अनुभव साली एक सुनील फौजी, रिटायर फौजी हैं, इनके माध्यम से आपको दिलाएंगे। तो जैसे हमने पहले भी इनको जो शुरुआत की वीडियो हमने शुरुआत करी थी उन पर, उस टाइम पर रेट बहुत ही डाउन था और आज के दिन रेट बहुत ही बढ़िया है। तो दूसरा हम बताने का प्रयास करेंगे भाई, जैसे एक मात एक एनिमल तैयार करने में 100 क्विंटल का, मतलब 1 किलो का या 150 किलो का तैयार करके बेचने तक का कितना खर्चा उसमें आ जाए, ये सवाल बहुत ज्यादा रहता है। और फीड का क्या रेट चला है और माल का क्या रेट चला है, ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले मिला देते हैं भाई सुनील रिटायर फौजी से। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। जी भाई साहब, एक बार अपना नाम बता दो। और नाम मेरा सुनील कुमार है, गांव काजड़ा है, जिला झुंझुनू, राजस्थान, बुआना तहसील है और हरियाणा बॉर्डर का फर्स्ट गांव है। फर्स्ट गांव है। तो सुनील भाई, जैसे अपना कितना दिन हो गया इसमें बिजनेस में? 4 साल। 4 साल हो गए। तो आपने जैसे रिटायर होते पहले बिजनेस ये करा? नहीं, पहले तो और किया मैंने, मतलब उसका बाइक खत्म होने के बाद ये करा। तो उसमें जैसे देखो, अभी कई साथियों के सवाल है कि कौन सा बिजनेस करें, जैसे अभी फिलहाल में चल रहा है भाई गोट फार्मिंग और पिक फार्मिंग और मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, इनमें सबसे बेस्ट है कौन सा बिजनेस आपके अनुसार अभी फिलहाल? सबसे मान लो जो बकरी फार्म है, आज के दिन मेरे पास मेरे यार दोस्तों ने कर रखा है कम से कम भी 10 फार्म है। एक आपने गुत्ती की बना रखी है, उसके पास कम से कम भी होगी 80 बकरी है। वो बेचना चाहता है, कोई भी लेने वाला नहीं है, 1.5 साल हो गए। ये ऐसा जानवर है, आज के दिन हमने कोई मैंने पिलानी के अंदर दुकान ली है 9 दुकान, तो मेरे पास जानवर थे 100। मैं बोला बेचना है मेरे को, तो मैंने आज के दिन अभी फोन कर दो, अभी फोन करो कि भाई साहब ये वीडियो है और ये बेचना है, तो आधी घंटा के अंदर वीडियो देख के पैसे अकाउंट में डाल देगा, गारंटी है, ये मेरी गारंटी। और ये अभी आप चाहे क्लियर कर लो, लो मैं आपसे बात करवा देता हूँ, इसी से बात कर लो आप कोई भी डीलर से। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक इसमें उधार नहीं है, 1 रुपये की उधार नहीं है, नगद मिलेगा, नगद सौदा। पहली जैसे काटा, मान लिया आपको हमने, मान लिया जैसे 22 लाख का माल दिया है तो 15-16 लाख रुपए उसने पहले दे दिए, 15 दिन के बाद उसने बच्चे खाए मेरे से। अच्छा, 15 दिन के कुछ विश्वास भी हो जाता है। हाँ, किसी आदमी पर विश्वास हमारे, हाँ, 4 साल का अनुभव होगा। हाँ, लोगों से अच्छा व्यवहार होगा। हाँ, इसका हाँ, तो उसने 15 दिन के बाद खाए, 15 दिन के बाद काटा के ऊपर रात को, ये जानवर रात को जाता है, करीब करीब रात को जाता है, तो रात को वाले हिसाब कर दिया ये अपने पैसे, 5 रुपये भी नहीं रखते। एक तो इसमें सबसे अच्छी है ये, दूसरा ये है, जैसे मान लो आपको नॉर्मल मोटा मोटा बता देता हूँ, एक सूर्य ये व्यक्ति है, ये ब्यायेगी, ये दिखा भाई संदीप एक बार, ये दिखा दे, ये दिखा ये, इसको आप ये 15 बच्चा लाए, 20 लाए, आप इसका 10 बच्चा पकड़ो, 10 बच्चा पकड़ो, हाँ मतलब आज, हाँ 10 बच्चा पकड़ो पकड़ो आज के दिन इस बच्चे की, वो बच्चा क्या कितने केजी का है? सरवाला दिखाना भाई, कितने केजी का ये बता दो मेरे, ये तकरीबन होगा भाई 10 केजी नहीं है? ये है 5-6 केजी का, 5-6 केजी का। कितने दिन का हो गया? ये हो गया आज 18-19 दिन का, 18-19 दिन। हाँ, ये बिक होने तक 12 मतलब 15 केजी का बच्चा आज के दिन 5700 रुपये का बिक रहा है, बिक रहा है, मान ले 15 केजी का बच्चा 5700 रुपये का बिक रहा है, बिक रहा है। तो 5700 ना आप 10 से गुणा करो कितना होगा? 57,000 हो गए, 57,000 हो गए। 14 महीने में कितनी बार ब्याती है? 14 महीने में तकरीबन 5 महीने, कितने दिन में टाइम? 3 महीना, 14-15 दिन में ब्याज जाती है, 3 बार ब्याएगी, मतलब 3 बार ब्याएगी, 3 बार ब्याएगी। 57,000 रुपये बहुत होते हैं, मतलब चाट नहीं खाती भैंस, चाट नहीं खाती, आप एक ठीक घेर दो 57,000 का, ये सूरी 12 महीने में खाए नहीं, खाए नहीं, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। एक बार का आप टोटल मार दो, अलग कर दो, हाँ 2 बार के 57 कितने हो गए? 1,14,000, 15,000 रुपये हो गए। 14 महीने में 1,00,000
14,000 रुपये सूरी छोड़, 1,00,000 पकड़ो, 1,00,000 दस सूरी कितने छोड़ देंगी? 10,00,000 हो गए सीधा। 10,00,000 तेरी फसल कितने एक साल में कितने रुपये छोड़ देगी? मतलब फसल का 500-200 बीघा जमीन बांटते हो, 10,00,000 रुपया छुटवा देना, मैं उसकी टांगनी चार निकट जाऊंगा। ये बात भाई साहब ने बहुत ही करारा जवाब दिया, बहुत ही शानदार जवाब दिया।